Assalamualaikum, welcome to another fresh episode of tech.com and this is Muhammad Ali. और भाई आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं Infinix Note 40 सीरीज के सबसे छोटे स्मार्टफोन Infinix Note 40 की अनबॉक्सिंग, जिसको पाकिस्तानी मार्केट में 50,000 रुपए के प्राइस टैग के साथ लॉन्च कर दिया गया है। 8 GB 256 GB वाला वेरिएंट और इसमें भी 8 GB के एक्सटेंडेड रैम का सपोर्ट आप लोगों को मिल जाता है। 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग है और इस मरतबा इन्फिनिक्स ने अपने नॉर्मल स्मार्टफोन में एमोलेड डिस्प्ले दे दिया है, वो भी 120Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ। एक इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि भाई इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलता है और बॉक्स के अंदर वायरलेस चार्जर भी देखने को मिलता है। खैर आज की इस वीडियो में हम इस मिड रेंज के स्मार्टफोन Infinix Note 40 की अनबॉक्सिंग करते हैं और इनिशियल रिव्यू भी आप लोगों को दे देता हूं कि भाई ये स्मार्टफोन किस तरह का निकल के सामने आता है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप Infinix Note 40 या कोई भी स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे आज के स्पॉन्सर मलिक मोबाइल को कंसिडर कर सकते हैं। उनकी शॉप का एड्रेस और फोन नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, डेफिनेटली आप उनको कंसिडर कर सकते हैं। चले चलते हैं और इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इस तरह का आपको बॉक्स देखने को मिलता है। Infinix Note 40 को मेंशन किया गया है, JBL के स्पीकर्स को मेंशन किया गया है, NFC इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। हमारे पास 8 GB 256 GB वाला वेरिएंट है, जबकि 8 GB की यहाँ पे आपको एक्सटेंडेड रैम का ऑप्शन भी मिलता है। 45 वॉट की यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। इसके साथ इंटरेस्टिंग चीज इस स्मार्टफोन के बारे में यह है कि भाई यहाँ पे आप लोगों को एक आउट ऑफ द बॉक्स आप लोगों को एक वायरलेस चार्जर भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये डिवाइस वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। 120Hz के एमोलेड डिस्प्ले के साथ आती है। हम लोग सबसे पहले बॉक्स खोल लेते हैं। सबसे ऊपर आपको आपका मैग्नेटिक चार्जर देखने को मिलता है वायरलेस चार्जिंग के लिए, और इसके साथ अगर हम देखें तो आप लोगों को और क्या क्या देखने को मिलता है, बॉक्स हमें खोलना पड़ेगा उसके लिए। सबसे ऊपर आपको आपकी डिवाइस Infinix Note 40 देखने को मिल जाती है। इसको साइड पे रखते हैं, बाकी बॉक्स कंटेंट जल्दी से देख लेते हैं कि बाकी बॉक्स में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं, एक स्क्रीन प्रोटेक्टर स्क्रीन गार्ड देखने को मिलता है, इसके साथ साथ कार केयर वारंटी कार्ड और एक यहाँ पे आप लोगों को नॉर्मल क्वालिटी का बल्कि अच्छी क्वालिटी का एक केस भी सिलिकन का देखने को मिल जाता है, जबकि आउट ऑफ द बॉक्स 45 वॉट का फास्ट चार्जिंग अडॉप्टर भी आपको देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ USB टाइप A टू टाइप C की आपको केबल भी देखने को मिल जाएगी। यही बॉक्स कंटेंट था। बॉक्स में एज सच इसके अलावा और कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता। बाकी अगर हम बात करें स्मार्टफोन की तो भाई स्मार्टफोन ये रहा हमारा Infinix Note 40। इसके रैपर में से इसे हटा लेते हैं। इस तरह की लुक्स, इस तरह का आपको डिजाइन देखने को मिलता है Infinix Note 40 का। प्लास्टिक बैग के साथ ये डिवाइस आती है, बड़े बड़े कैमरा मॉड्यूल के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप है। बैक पे राउंड LED फ्लैश लाइट है। इस साइड पे अगर हम देखें तो आपको राइट साइड पे एक वॉल्यूम रॉकेट्स देखने को मिल जाएंगे, पावर बटन देखने को मिल जाएगा, नीचे की तरफ सिम ट्रे देखने को मिलेगी, इसके साथ साथ सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक और इसके साथ साथ USB टाइप सी पोर्ट और एक सेकेंडरी स्पीकर, जबकि ऊपर की तरफ मेन JBL के स्पीकर देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आप लोगों को सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक भी देखने को मिल जाएगा। एज सच और कुछ आपको देखने को नहीं मिलता। इन हैंड फील की बात करें तो काफी अच्छी इन हैंड फील देखने को मिलती है। डिस्प्ले 6.78 इंच का आप लोगों को एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। नोट 30 में आप लोगों को, नोट 30 भी हमारे पास मौजूद है, नोट 30 में आप लोगों को IPS डिस्प्ले मिलता है, इसमें आप लोगों को एमोलेड डिस्प्ले मिलता है जो कि 120Hz के फास्ट डिस्प्ले रिफ्रेश रेट के साथ आता है। फुल HD प्लस क्वालिटी का ये डिस्प्ले है और 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। अच्छा, ये फ्लैट एजेस के साथ डिवाइस आती है, कर्व डिस्प्ले नहीं है यहाँ पे, फ्लैट एजेस आपको देखने को मिलेंगे और काफी हैंडी फील आपको देखने को मिलती है, अच्छी फील आपको देखने को मिलती है इस मोबाइल के साथ। और सबसे अच्छी बात, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी यहाँ पे दी गई है। बाकी अगर हम देखें तो आउट ऑफ द बॉक्स आप लोगों को एंड्रॉइड 14 देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को चेक भी करा देता हूँ, ये देखें एंड्रॉइड 14 आपको देखने को मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। और इसके साथ साथ मीडिया टेक हीलियो G99 अल्टीमेट का आप लोगों को चिपसेट भी देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस के बारे में, इन चीज़ों के बारे में डेफिनेटली मैं जो इसका डेडिकेटेड रिव्यू बनाऊंगा उसी में बात करूंगा, अभी हम लोग सिर्फ इसकी अनबॉक्सिंग और ओवरव्यू लेने वाले हैं। बैक पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, सेकेंडरी मेगापिक्सल 2 है और थर्ड आपको QVGA लेंस देखने को मिल जाता है। जबकि फ्रंट की अगर हम बात करें तो फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। मैं यहाँ पे एक पिक्चर लेके रैंडम सी आपको इसकी इनिशियल कैमरा क्वालिटी दिखा देता हूं।
सो कुछ इस तरह की क्वालिटी देखने को मिलती है। अच्छी क्वालिटी है, बुरी क्वालिटी नहीं है। प्राइस के हिसाब से कैमरा क्वालिटी काफी हद तक जस्टिफाई करती है। 5000 mAh की यहाँ पे आप लोगों को बैटरी देखने को मिल जाती है, जबकि आपको इसके अंदर 45 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जबकि 20 वॉट यहाँ पे आपको वायरलेस मैग्नेटिक चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है। टाइटन गोल्ड कलर है और एक ये हमारे पास ब्लैक कलर देखने को आप लोगों को मिल जाता है, ऑब्सीडियन ब्लैक कलर इसका नाम रखा गया है। और ये दो कलर्स आपको पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल जाते हैं। बाकी गाइस इसका रिव्यू बहुत जल्द आने वाला है, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। चैनल पर नया है सब्सक्राइब कीजिएगा। फर्दर को भी क्वेश्चन और कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। बहुत जल्द वीडियो में मिलता है, तब तक ले जाता दीजिए। अल्लाह हाफिज़।